देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी गठन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं स्वामी प्रसाद की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी होगा और उन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम रख लिया है। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी को पुनर्गठित कर दिया है और इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी रख दिया है। आपको बताएं सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पार्टी का झंडा लॉन्च कर दिया है जो कि नीले लाल और हरे रंग को मिलकर बनाया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के रहने वाले साहिब सिंह धनगर और 2013 में यह पार्टी बनाई गई थी। बता दें बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। उन्होंने त्याग पत्र को पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग करते हुए लिखा था कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने बयानों को लेकर लंबे समय तक विवादों में चल रहे नेता ने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया था, पार्टी से नहीं, लेकिन उन्होंने अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस संबंध में एक लंबा चौड़ा खत लिखते हुए इस्तीफे के कारण को भी बता दिया है। अब ऐसे में पता चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं पार्टी से आहत हुए हैं और अपने बयानों को लेकर उनके ऊपर फटकार लगाई गई जिसकी वजह से उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में उन्होंने नई पार्टी बनाई है। अब हो सकता है कि क्या पल्लवी पटेल भी उनकी पार्टी से जुड़ती हुई नजर आए, क्योंकि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती हुई भी नजर आ रही थी। तो ऐसे में कयासों का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि पल्लवी पटेल भी क्या उनकी पार्टी में शामिल हो सकती है या उनके साथ अलायंस कर सकती है। ऐसे में बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आ सकती है आने वाले दिनों में। फिलहाल इन सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।